रब वी खेले है खेले रोज लगावे मेले कहता कुछ न बदला झूठ बोले हर वेले चुप माही चुप है राजा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा जा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा चुप माही चुप है राजा। Hi everybody, welcome to my channel. Now it's very difficult to make video if you have bachcha on your house. मेरी दीदी का एक छोटा सा बेबी हुआ है एंड हर नेम इज प्राही एंड वो अभी रो रही है इसलिए थोड़ा सा नॉइज आएगा सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो कोई नॉइज आए तो समझ लेना वो रो रही है। ओके सो हाई एवरीबॉडी वेलकम टू माई चैनल नाउ वेलकम टू माई चैनल एंड हॉट ऑफ केक मेकअप लुक क्रिएट किया जाए। इसका इससे पहले जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा है और देखा नहीं है तो प्लीज जाकर देख लो। अच्छा तो इस मेकअप लुक की बात किया जाए सो दिस इज अ टीनेजर फ्रेंडली मेकअप लुक सो ऑल आर द प्रोडक्ट दैट आई यूज इन दिस मेकअप लुक सो दिस आर वेरी अफोर्डेबल लाइक काफी ज्यादा अफोर्डेबल लाइक ऑल आर प्रोडक्ट्स अंडर रुपीज 500 यू कैन से and so this is the makeup look I achieved using all of this product. काफी सारे न्यू मेकअप प्रोडक्ट है जिनको मैं ट्राई आउट करूंगी इन दिस वीडियो एंड ये एक टीनेजर मेकअप लुक है एंड इफ यू गाइस वॉन्ट टू नो दैट हाउ आई क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल सॉफ्ट येट ब्यूटिफुल वेरी सिंपल मेकअप लुक सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड ये वाला लुक अभी आप कहीं पर भी कोई भी डे पर कहीं पर भी कोई फंक्शन है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो। दिस इज वेरी सॉफ्ट वेरी टीनेजर फ्रेंडली एंड काफी ज्यादा मिनिमल एंड सिंपल सपल लाइक मेकअप लुक है दैट आई रियली लाइक एंड हाउ द मेकअप इज टर्न्ड आउट आई जस्ट लव दैट। सो इफ यू गाइस वांट टू नो दैट हाउ आई क्रिएट दिस ब्यूटिफुल गॉर्जियस मेकअप लुक सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल योर चैनल संगीताज ब्यूटी टिप्स। नाउ विदाउट एनी मोर सबसे पहले यहाँ पे यूज करी हूँ लैक्मे का लूमी क्रीम सो इट्स गिव्स यू अ वेरी मॉइस्चराइजर लाइक अ ग्लो। इससे पहले मैंने इसका जब मैंने रिव्यू किया था आप लोगों को मैंने बताया था एंड ये एक पिंक टिंट भी छोड़ता है एंड इट्स कम्स विथ ओनली वन शेड एंड आई एम नॉट गोना से दैट इट्स लाइक अ स्ट्रोक क्रीम और स्विस ब्यूटी इल्यूमिनेटिंग हाईलाइटर और समथिंग सो दिस इज लाइक अ मॉइस्चराइजर विथ द हिंट ऑफ ग्लो एंड इसमें काफ़ी टाइनी शिमर पार्टिकल्स हैं जो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है बट सनलाइट पे आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। सो ये फेस पर बहुत ही हल्का सा ग्लो छोड़ रहा है एज यू कैन सी एंड देन मेरे पोर्स के लिए कुछ करना पड़ेगा सो दैट्स वाई यूजिंग दिस सिलिकॉन ब्रिस प्राइमर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ओनली द स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ जहाँ मेरे थोड़ा सा टेक्स्चर है ऑल्सो जहाँ मेरे थोड़े बड़े पोर्स है उनको थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दिस प्राइमर। अच्छा तो अच्छे से अप्लाई कर लिया है अच्छे से स्क्रीन प्रेप हो गया है हमारा। हम अब अप्लाई करेंगे मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन इन दिस शेड 332 गोल्डन कैरमल सो दिस शेड इज मैच टू माय स्किन टोन लाइक बहुत अच्छे से मैच करता है एंड बहुत ही कम अप्लाई किया है मैंने फाउंडेशन लाइक 1-3 पम्प आप कह सकते हो एंड कलर बर का ब्यूटी ब्लेंडर है नाउ मेरे लिप्स थोड़े से ड्राई फील हो रहे थे सो दैट्स व्हाई मैंने ये नीका के का लिप ऑयल यूज़ कर लिया है एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्यूटी ब्लेंडर तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ पर आप लोगों को मैंने रिकमेंड किया है ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर एंड फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है बट ये आफ्टर सम टाइम्स थोड़ा सा पैची लगने लगता है सो मेक श्योर दैट प्रेप योर स्किन वेरी नाइसली एंड ये फाउंडेशन काफी ऑक्सीडाइज भी होता है तो एक या दो शेड अब लाइट
लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना ज़्यादा, बाद में ऑक्सीडाइज होकर आपके स्किन टोन का ये बन जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करी हूँ, मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट। आई थिंक दिस वन इज़ वेरी नाइसली मैच टू माई स्किन टोन। ये वाला कॉम्पैक्ट मेरे स्किन टोन से काफ़ी अच्छी तरीके से मैच करता है, आप कह सकते हो मेरे स्किन टोन के जैसा बिल्कुल इसका कलर है। एंड आई टुक दिस काइंड ऑफ अ फ्लैट काइंड ऑफ अ फ्लफी ब्रश, और इसकी मदद से मैं अपने फुल फेस को सेट कर रही हूँ पाउडर की मदद से। अच्छा, तो बाय द वे कंसीलर मुझे पहले अप्लाई करना था, बट वीडियो में मैंने थोड़ा सा मैं भूल गई थी, एंड पहले मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया है। एंड तो कंसीलर पहले अप्लाई करो, उसके बाद पाउडर से सब क्रीम प्रोडक्ट को सेट करो। एंड पाउडर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी इस वीडियो में, बट आप लोगों को नहीं करना है ऐसी वाली गलती। अच्छा, तो ये कंसीलर है NYB का कंसीलर, आई जस्ट लव द कंसीलर एंड जस्ट लुक एट द वांड, दिस इज़ सो सॉफ्ट सो फ्लैट, सो अप्लाई करने में बहुत ही मज़ा आता है, लाइक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है ऐसे वाले एप्लीकेटर से। एंड मैं बहुत ही कम क्वांटिटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इस मेकअप लुक में, बिकॉज दिस इज़ अ टीनेजर फ्रेंडली मेकअप लुक, तो आप लोगों को भर भर कर मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही मिनिमल सिंपल ये लुक मैं रखना चाहती थी। एंड आई लिड को प्रिप किया है, एंड फोरहेड पे 1 ड्रॉप, एंड नोज पर 1 ड्रॉप, एंड माउथ के अराउंड 2 और 3 लाइक थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक मैंने लगाया है। एंड ब्रश की मदद से मैं ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को, एंड वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है, मैं इतनी जल्दी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। एंड मैंने ब्लेंड कर लिया है कंसीलर्स को। अच्छा, तो कंसीलर ये काफ़ी अच्छे ड्यूई फिनिश वाला कंसीलर है, बट ये जो कंसीलर है मेरे शेड का हो रहता तो काफ़ी अच्छा रहता, पर सेकेंड टाइम जब मैं परचेस करूँगी इसको रीपरचेस, तब मैं मेरे शेड की लेना चाहूँगी। बाय द वे कंसीलर का फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, सो नायका का आईशैडो पैलेट है ये बीच साइड पीच वाला शेड, ये जो वार्म टोन वाला एक ब्राउन शेड था, थोड़ा सा ऑरेंज का हिंट भी था, उस शेड को लेकर मैं अपने क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेंडिंग ब्रश। तो यहाँ पे वीडियो का फोकस थोड़ा सा कम है, तो पता नहीं क्या हुआ था फ़ोन को मेरे। अच्छा, तो मैं लोअर लैश लाइन पर भी सेम कलर को लेकर अप्लाई कर रही हूँ, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला शेड, काफ़ी वार्म टोन वाला था, तो मेरे स्किन टोन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। सो दिस इज़ लैक्मी इंस्टा आईलाइनर, तो इसे लेकर मैं अपने आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, मैं विंग क्रिएट नहीं करूँगी, सिर्फ मेरे लाइक आउटर कॉर्नर तक लाकर ही मैं छोड़ दूंगी। दिस इज़ मेबलिन हाइपरकल मस्कारा, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से मस्कारा को कोट करना है लैशेस पर, काफ़ी अच्छी तरीके से कोट करो। एंड मस्कारा अप्लाई करने से लाइक आई मेकअप चेंज हो जाता है, एंड काफ़ी अच्छा लगता है, एंड अब सिर्फ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मस्कारा इज़ द लाइक मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर मेकअप कलेक्शन, सो आप ये वाला लो ऐसा कोई बात नहीं, आप ब्लू हेवन का भी ट्राई कर सकते हो, उनका मस्कारा भी काफ़ी अच्छा है, एंड ऑल्सो मार्स मस्कारा एंड एसेंस का भी काफ़ी अफोर्डेबल में है मस्कारा, तो यू कैन ट्राई इट आउट। अच्छा, तो अब एज यू कैन सी द डिफरेंस बोथ ऑफ दिस आइज। एंड देन मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल है ये डार्क ब्राउन शेड में, तो मैं मेरे आईब्रोज को ड्रा कर रही हूँ, तो आईब्रो मस्कारा एंड लिपस्टिक दिस 3 प्रोडक्ट आर मस्ट हैव एवरीडे मेकअप लुक में, तो आप ये तीनों कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस आ जाता है। देन आई टुक दिस शेड ट्रांजिशन शेड फ्रॉम दिस वेट एंड वाइल्ड पैलेट, सो दिस शेड वर्क एज अ ब्रॉन्जर वेरी नाइसली, सो आप इसे ऐसा ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो, लाइक मेकअप इज़ अ फन, आप कोई भी प्रोडक्ट को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैंने काफ़ी बार बोला है आप लोगों को ये बात। एंड इस पैलेट को एज अ ब्रॉन्जर मैंने और भी मेकअप लुक पर भी इसे एज अ ब्रॉन्जर यूज़ किया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, लाइक ये एक वार्म टोन वाला एक एज अ ब्रॉन्जर वर्क करता है, एंड दिस इज़ वेरी लाइक वेरी अच्छा सा ब्राउन्जर आप कह सकते हो। एंड दिस इज़ वेट एंड वेल का ब्लश इन द शेड मेलो वाइन, एंड आई टुक द सेम ब्रश जिससे मैंने अपने फेस को सेट किया था, एंड मैं इसे मेरे चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ फॉर द सम फ्लश ऑफ कलर। एंड ब्लश भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे तो हाइलाइटर से भी ब्लश का जो इम्पॉर्टेंस ही मुझे ज़्यादा ब्लश का ही लगता है, क्योंकि इससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा यूथफुल लगता है, एंड ऑल्सो हाइलाइटर तो एक इट इज़ लाइक लोगों को पता चल ही जाता है, इट्स लाइक आर्टिफिशियल ग्लो ऑन योर फेस। एंड ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे फ्रॉम दिस ब्रांड स्विस ब्यूटी, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल सेटिंग स्प्रे,
एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. सो दिस इज़ इन द शेड न्यूड पिंक एंड नो दिस इज़ नॉट न्यूड पिंक, दिस इज़ न्यूड ड्रीम. सो दिस इज़ अ वार्म टोन पिंक की न्यूड शेड, आप कह सकते हो मेरे ही लिप्स बट द बेटर वर्जन. एंड ये एक न्यूड शेड है मेरे लिए एंड ये कलर मेरे पर काफ़ी अच्छे से सूट करता है. जस्ट लव द कलर एंड इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है इस लिपस्टिक का. एंड इस मेरे ब्लू कुर्ती के साथ ये वाला शेड काफ़ी अच्छे से जा रहा था. एंड लिपस्टिक का शेड आप कोई भी स्किन टोन के हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपके ऊपर. एंड वी इंडियन गर्ल आर यूज टू डू दिस अ लॉट, आईलाइनर को ऐसा बिंदी यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे वही करूँगी, आईलाइनर को ऐसा बिंदी यूज़ करूँगी. आई डोंट नो मेरे वॉइस को क्या हो गया, इतनी देर तो मैं अच्छे से बात करी थी, अभी लाइक सेकेंड वाला जो वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ मेरे वॉइस काफ़ी ज़्यादा हेवी लग रहा है एंड मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी है. एंड मैं बिंदी अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस इज़ यहाँ पर मेरा लुक कम्प्लीट हो जाता है. मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ बहुत ही परफेक्शन से एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक. आई होप यू गाइस लाइक इट. सो इफ यू गाइस आई लव द मेकअप लुक सो डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.